अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी गिलगित बल्तिस्तान सीरीज़ की सबसे अहम वीडियो है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पाक चाइना बॉर्डर खंजराब पास, और इसके रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे और पासू कॉन्स का खूबसूरत व्यू आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब, तो लेट्स गो। व्यूअर्स, आप देखें उमर ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उमर, और उमर ब्लॉग्स की गिलगित सीरीज में आज हम पहुंचे हैं पासू कॉन हुंजा। तो आज की वीडियो में आपको ये अल्लाह का खूबसूरत शाहकार दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। ये मेरे पीछे पासू कॉन है, इसकी मुकम्मल वीडियो आपको दिखाता हूँ। वेलकम टू पासू। हम पहुंच चुके हैं पासू कॉन्स के व्यू पॉइंट पर। आप देख रहे हैं पासू कॉन्स, और इस जानब है पासू ग्लेशियर। पासू कॉन्स इस इलाके के सबसे खूबसूरत पहाड़ हैं। पासू कॉन्स अताबाद लेक से ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और हंजराब पास के काफ़ी रास्ते तक आपको दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत के शाहकार, तमाम पहाड़ों से डिफरेंट पासू कॉन्स। तो मेरे दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ, वो सामने पासू ग्लेशियर है, और इस पासू ग्लेशियर के बारे में ये मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई हैं आपको दिखा। तो ये अल्लाह ताला की नेमत का सबसे इस इलाके का खूबसूरत पॉइंट है। इसकी चोटियां तमाम पहाड़ियों से अलग है, डिफरेंट। ये ऊपर कौन सी नुमा इसके बनी हुई है देखें, और वो सामने पासू ग्लेशियर। ये पहाड़ बाकी तमाम पहाड़ों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये बिल्कुल कौन नुमा शक्ल के हैं, इसलिए इन्हें पासू कॉन्स कहते हैं। अक्सर जो विज़िटर इस इलाके को विज़िट करते हैं, पासू कॉन्स के व्यू पॉइंट पर लाजमी रुकते हैं। बहुत खूबसूरत पहाड़ है, और अल्लाह की कुदरत का नज़ारा आप देख सकते हैं। तमाम पहाड़ डिफरेंट, और ये मुनफरिद नज़ारा पासू कॉन्स का। दोस्तों, अब हम रवा दवा हैं पाक चाइना बॉर्डर खंजराब पास की तरफ। खंजराब पास का खूबसूरत नज़ारा सैहू को अपनी तरफ खींच लाता है कि जो भी सियाह इस इलाके को एक्सप्लोर करने आता है, पाक चाइना बॉर्डर को एक्सप्लोर किए बगैर वापस ही नहीं जाता। तो अब हम जा रहे हैं पाक चाइना बॉर्डर पर, और उससे पहले हम आपको पासू कॉन्स का वो खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे। अगर आप गूगल पे हुंजा सर्च करते हैं तो जो पहली पिक पासू कॉन्स की आती है वो इस मकाम से ली गई है। ये पासू कॉन्स का वॉलपेपर के तौर पर यूज़ करने वाली पिक्चर इस जगह से बनाई जाती हैं, और ये सामने पासू कॉन्स का खूबसूरत नज़ारा। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उमर ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उमर, और आप उमर ब्लॉग की गिलगित बल्तिस्तान सीरीज देख रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं खंजराब पास चाइना बॉर्डर। तो आपको दिखाता हूं, ये मेरे पीछे फ्रेश खुबानी है, फ्रेश सेब, और ये सारे सेब और खुबानी के बागात हैं। आए पहले चलते हैं बागात देखते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं खंजराब पास चाइना बॉर्डर। इन बागात से तोड़ी गई खुबानी है, तो अभी टेस्ट करते हैं। ये अभी एप्पल छोड़ने पर ये ताज़ा, ये भी खुबानी। खुबानी के बाग में घूम रहा हूँ, ये दरख्त पर थोड़ी थोड़ी लगी हैं, ज़्यादातर इन्होंने अभी तोड़ी हैं, तो अभी फ्रेश हमने खरीदी हैं, बहुत मज़े की। ये देखें, अगे आप आगे मैं आपको दिखाता हूँ, एप्पल लगे हुए हैं। चल, अल्लाह की कुदरत का नज़ारा, कितने खूबसूरत रेड एप्पल लगे हुए हैं, और ये देखें ये सारे वाइट लगे हुए हैं। एप्पल बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में, ये देखें सारा सारे बिल्कुल बागात भरे हुए हैं एप्पल्स के, दरख्त बिल्कुल लदे हुए हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों, ताज़ा खुबानी, ये खुबानी के बाग से उतार के खाने का मज़ा ही बहुत अच्छा है। आप गिलगित बल्तिस्तान आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बागात नज़र आएंगे, स्पेशली खुबानी के, उसके बाद एप्पल्स के। ये मेरे पीछे जो बाग है ये सारा सेब का बाग है, ये देखें दरख्त फुल एप्पल से भरा हुआ है। और ये मेरे पीछे देखें, ये एप्पल्स जो रेड हैं वो एप्पल है वाइट, और ये खुबानी टेस्ट करते हैं ताज़ा, बहुत ही लाजवाब, बहुत जायकेदार, बहुत मज़े की। ये रौनकें हैं गिलगित बल्तिस्तान की। ज़्यादा बंदे खिंचन थे तो ख़त्म नहीं होता, दस भी दो दो दिन लगे थे। छोटी सी ब्रेक लेने के बाद फिर हम हुए अपने सफ़र को रवा दवा।
ये जो आप सामने छोटा सा टनल देख रहे हैं, ये लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए बनाया गया है। लैंडस्लाइडिंग से इस जगह पर रास्ता अमूमन बंद हो जाता था, इसलिए ये छोटा सा बनाया गया है टनल। वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा है और हम पहुँचने वाले हैं पंजराब नेशनल पार्क की फर्स्ट चेक पोस्ट पर। और अब हम पहुंच चुके हैं पंजाब नेशनल पार्क में आने वाली फर्स्ट चेक पोस्ट पर, और ये आप सामने देख सकते हैं पाक चाइना फ्लैग्स। मेरे दोस्तों, इस टाइम हैं हम पंजाब नेशनल पार्क में। इस इलाके में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर और स्नो लेपर्ड कसीर तादाद में पाया जाता है। हमने अपने रास्ते में काफ़ी मारखोर देखे, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो हम इस टाइम पहुँचने वाले हैं पाक चाइना बॉर्डर पर। वो सामने आपको मेन गेट दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर का जो आइकन समझा जाता है। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं पंजराब नेशनल पार्क, पंजराब पास चाइना बॉर्डर। काफ़ी टूरिस्ट इस जगह पर मौजूद हैं और अभी टेम्परेचर है तकरीबन -1 और 16,000 फीट की बुलंदी। तो आए आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत नज़ारा। पंजराब पास, और ये देखें रौनकें इस जगह की। वेदर काफ़ी सख्त है और वो है मेन आइकॉनिक प्लेस पाक चाइना बॉर्डर। बहुत खूबसूरत प्लेस है जी। व्यूअर्स, हम इस टाइम पहुंच चुके हैं पंजराब पास, और ये देखें रौनकें इस जगह की। और ये जो सामने आप चोटियां देख रहे हैं, ये मुकम्मल सारी चाइना की चोटियां हैं, और वो मेन गेट है जो आपने पिक्चर्स में और पॉइंट देखा होगा। हम इस टाइम फाइनली पहुंच चुके हैं पंजराब पास चाइना बॉर्डर। बॉर्डर पंजराब पास की रौनकें। ये देखें जी, ये पंजराब पास का वो मेन गेट है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर का। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पर नहीं जाने दे रहे। और ये देखें ये पंजराब पास के खूबसूरत नज़ारे, और ये पाक आर्मी के जवान, और ये यहाँ की रौनकें, रश देखें। सोलह हज़ार फीट की बुलंदी। बुलंदी की वजह से यहाँ पर सांस लेना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप सांस के मरीज़ हैं तो साथ खुबानी लाजमी लाइएगा, खुश खुबानी। वैसे भी तमाम ग्रुप्स, टूर गाइड्स आपको लाजमी कहते हैं कि साथ खुबानी लाजमी लाएं, वो आपको सांस लेने में आसानी पैदा करती है। तो हम इस टाइम इंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत वेदर पाक चाइना बॉर्डर का, और लाजवाब वेदर और ये हसीन नज़ारे। अगर आप हंजा आते हैं तो इस जगह लाजमी आइएगा। पंजराब नेशनल पार्क में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर और स्नो लेपर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, अगर आपकी किस्मत होगी। हमें इस सफ़र में मारखोर काफ़ी बड़ी तादाद में पूरी फैमिली के साथ दिखे हैं, जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशल मारखोर की वीडियो में आपको दिखाएंगे। पास में चाइना बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है बॉर्डर ये सामने, और बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं। ये भाई विकास लोग, भाई तनवीर और बाकी सारे भी ये खूबसूरत पॉइंट इंजॉय कर रहे हैं। आई होप अगर आप हंजा का टूर करें तो ये पॉइंट बिल्कुल मिस ना करिएगा। ये सामने आपको ये सारी पहाड़ियाँ चाइना की नज़र आ रही हैं, और वो है मेन गेट चाइना का। बहुत खूबसूरत पॉइंट है, पैसा वसूल पॉइंट है यार ये जी, पंजराब पास चाइना बॉर्डर। और ये हमारा सारा ग्रुप इंजॉय कर रहा है, और ये बाकी सारे ग्रुप्स हैं, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये सारे यॉक्स हैं इस इलाके के खूबसूरत जानवर यॉक। वो नीचे चाइना बॉर्डर है, और देखे रौनक इस जगह की बहुत ज़्यादा। ये भाई तनवीर और विकास लोग खड़े हैं, हम ये ऊपर जा रहे हैं जी यहाँ का स्पेशल एनिमल देखने यॉर्क, जो ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर की जानब, फिर आपको दिखाता हूँ अगला सीन। हम है इस टाइम चाइना बॉर्डर पंजराब पास पे। मेरे पीछे वो देख सकते हैं वो सारा चाइना बॉर्डर है, और हम इस इलाके का फेमस जानवर यॉर्क देखने ऊपर आ रहे हैं। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है वो ये रिस्क ना लें। हम तकरीबन इस टाइम सदा समंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पे। बहुत प्यारा व्यू है, लाजवाब, बहुत सुंदर।
शुक्रिया, आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखें सारे ये यॉर्क बैठे हुए हैं। ये सबसे खूबसूरत जानवर इन्हें यॉर्क कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इन जानवरों को बख्शा है। ये हम फूल ऊपर आ चुके हैं और वो नीचे चाइना बॉर्डर। ये देखिए माशाल्लाह, अदनान भाई बड़े शेर दिल बंदे हैं। ये पूरा इस टाइम यॉर्क फुल एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं कर रहे हैं वो, रुको रुको, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, रुको। अमर अंगा छोड़ दियो। तो हमें हंजरा पास में तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ का टेम्परेचर -7 हो चुका है। और ये देखें हाथ में ब्लड जमना स्टार्ट हो गया। ये देखें हम लोग वैसे विजिटर आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, इधर पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और चले जाते हैं। पर हम प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी टूर के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।